और ये मेरे मेरी भी बेटी है। ये बताएं कि आज बड़ी पेशरफ्त हुई है इस केस में और आपके लोगों की तायद हुई है और पुलिस ने खुद कहा है कि जो बच्ची जो है वो अफवाह, ये क्या कहना है आपको इस बारे में? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, मैं पहले दिन से जिस मौकफ पे खड़ा था इसमें बहुत सारी हर्डल्स आई, आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वो हर्डल्स क्या क्या थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज पुलिस ने ये खुद एडमिट किया कि बच्ची अगवा हुई, उन्होंने अगवा की शक लगाई। मैं मज़ीद अब ये चाहूँगा कि जो पुलिस का फाइनल चलान आएगा उसके अंदर कुछ टाइपोज के एरर हैं, जैसे शब्बीर का नाम मिसिंग है, हमने वो कन्फर्म किया पुलिस से, उन्होंने कहा कि ये एक टाइपो था। इसके अलावा कुछ दफ़ात जो इसमें शामिल होनी चाहिए थी जो नहीं हैं, हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि पुलिस उन दफ़ात को शामिल करे। इसके अलावा मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप सब लोगों ने मुझे बल्कि इस केस के ऊपर जिस तरीके से रिपोर्टिंग की, मेरे पास सर अल्फाज नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का, विदाउट यू मैं यहाँ पे इस स्टेज पर नहीं खड़ा हो सकता था। ठीक है, अच्छा मैं सब ये बताएं कि एक इंटरव्यू में बच्ची से एक इंतहाई जो है बयान दिलवाया जाता है और इसके बाद आप कुछ कहेंगे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि बच्ची को तब तक अपने रेस्क्यू में रखें, अपने शेल्टर में रखें? देखिए, आज जिब्रान भाई ने भी एक बताया आपको पंजाब के चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, हम इस सिलसिले से एक एफर्ट करते रहे हैं लेकिन होपफुली वो सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, अब जब एक चीज़ साबित हो गई है कि बच्ची माइनर है, इसमें रुआकार शामिल हैं, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों को ख़ुद ही हरकत करनी चाहिए और बच्ची को एटलीस्ट सेफ हैंड्स में लेना चाहिए। अच्छा मैं साहब, आपके पूरे केस में एक लेसन तो सबको मिल गया कि नेवर गिव अप। बिल्कुल सर, मैं एक जगह खसूसन जिस दिन हम हाई कोर्ट से 8 तारीख को निकले थे उस दिन मैं बिल्कुल मैं टूट चुका था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद हुई। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह की मदद डेफिनेटली अल्लाह के कभी भी जो है वो अंधेर नहीं होती। उसके बाद ऐसा काफ़िला बना, जिब्रान नासिर टीम में शामिल हुए, कुछ साफ़ी हज़रात आप सब लोगों का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ी इसमें तहकीक उन्होंने की, बाबर सलीम भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, जो चीज़ें शुरू दिन से आनी चाहिए थीं वो बाबर सलीम के एटलीस्ट जो CDR निकले उसके बाद पुलिस उसे डिनाई नहीं कर सकी क्योंकि वो एक फैक्ट्स थे और अब वो पुलिस में शामिल किए हैं और इसी की बदौलत दफात लगी है। बिल्कुल जी, मैंने पहले भी बताया मैं जिस मौकफ़ पर कायम था अल्लाह ताला ने आज उसको सामने एक दफ़ा पैर लाया है। मैं परेशान भी हूँ इसलिए कि अब बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, अगर आप बच्ची को लेकर देखें तो जैसे पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें भी चल रही हैं, तो मैं पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं आर्मी चीफ, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि एटलीस्ट एक चीज़ जो प्रूवन फैक्ट है, आप बच्ची को जो है वो सेफ हैंड्स में लें जिस भी तरीके से लिया जा सकता है, और सेकेंडली जी केस तो डेफिनेटली यहाँ पे चलता रहेगा। मैं सब कल से कुछ खबरें इस तरह जिक्र करते हैं कि दुआ को बाजियाब करा लिया गया, सक्कर तक पहुँच गई, पुलिस लेके आ गई, तो ज़ाहिर अगर बाजियाब होगी तो आप तक इतला होगी, क्या ऐसी इतला है आपको? सर मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये अफवाहें हैं, मेरे पास अगर कोई कन्फर्मेशन होती तो मैं आप सब भाइयों को सबसे पहले बताता। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।